बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार द्वारा हाल के दिनों में जारी किए जा रहे हैं योजना अग्निपथ के विरोध में जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद पटना के डाक बंगला चौराहे पर लगातार सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व खुद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव कह रहे हैं। साफ तौर से पप्पू यादव इस आंदोलन के समर्थन में यहाँ पटना के डाक बंगला चौराहे पहुँचे हैं और लगातार केंद्र विरोधी नारे लगाते पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर पार्टी के राजू दानवीर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम सुनते हैं। सर, स्पष्ट है 4 साल का ये अग्निपथ योजना जो है बिल्कुल फेलियर है। युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। युवा आज हाशिए महसूस कर रहा है, तब तो रोड पर है, तब तो आंदोलन कर रहा है। हर जगह युवा क्यों सुलग चुका है? क्योंकि आपने उसके साथ धोखा किया। साल भर में 2 करोड़ और फिर 1.5 साल में 10 लाख रोजगार की बात करने लगे। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कहीं ना कहीं फेलियर स्कीम है और यदि ये वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग का आंदोलन और बड़े पैमाने पर होगा। पर केंद्र सरकार तो कह रही है कहीं ना कहीं बेरोजगारी को खत्म करने के लिए और युवाओं को एक अच्छा मौका देने के लिए और उनके बेहतर भविष्य के लिए। फेलियर है, सुरक्षा में सेंध आप लगा रहे हैं, इंडिया के सुरक्षा में जो देश की आन बान शान है उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आर्मी आर्मी कहलाती है, डिसिप्लिन के लिए कहलाती है, देश की रक्षा के लिए कहलाती है, उसे आप एकदम झुंझुना बनाती है। जाहिर सी बात है कि इस स्कीम के विरोध में जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार से इस स्कीम को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की। देशवा न्यूज के लिए पटना से मैं नीरज सिपाही।